सो हमने ग्रुप 16 शुरू कर लिया था एंड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी खत्म कर लिया था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कर लिया था सर कुछ। लास्ट पॉइंट था सर ड्यू टू कंपैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला। थैंक यू बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट टॉपिक डालिए। Properties of group 16. सबसे पहला लिखिए वहां हम लोगों ने लिखा था रिएक्टिविटी वॉस जो है बनाता है एस टू सबसे पहला आइए एसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ एच ई बॉन्ड। मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। हाँ या ना जी बताइए। यस सर जैसे साइज बढ़ेगा वैसे ही बॉन्ड एनर्जी कम की बात नहीं करेंगे। पीओ में रेडियो एक्टिव है। आप यहाँ देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी होती है ना। इसका ऑर्डर है तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ पीएच बॉन्ड। वहां भी पढ़ा था देखिए मैंने कहा था एक एक चीज आपको रिपीट हो। डन सर। सब कुछ समझ में किसी को इतराज तो नहीं है कंसेप्ट में। हेलो एवरीवन। यस सर समझ आ गया। सेकंड लिखे क्या हम लोगों ने उसमें थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ा था। यस सर थर्मल स्टेबिलिटी जो आपको बताया गया था और कोवेलेंट कंपाउंड अगर है कोवेलेंट कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी बताइए H2O का ही सबसे ज्यादा होगा कि नहीं क्योंकि ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। यस सर सेम ऑर्डर होगा जैसे बॉन्ड एसोसिएशन इंटेंशन। वेरी गुड। वही सेम चीज रिपीट हो रही है। वेरी गुड। दूसरा आइए क्या आपने रिड्यूसिंग करेक्टर पढ़ा था याद कीजिए। यस सर स्ट्रेंथ ऑफ EH बॉन्ड। अगर आपसे कहा गया H2O है H2S है तो मैंने कहा था ग्रुप 15 पर लीजिए अच्छे से अभी नो रिड्यूसिंग पावर है कि नहीं। यस यस सर EH बॉन्ड वी का EH बॉन्ड है तो आसानी से देख पाएगा तो रिड्यूस कर पाएगा। एक बार जो सर सर्कल से डिवीजन हो रहा है कि यस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग
Done, sir. Thank you. क्लियर सब लोगों ने? और इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का. यस सर. सबसे ज्यादा उसके बाद मॉलिक्यूलर वेव को डोमिनेट किया. आया समझ में? वही चीजें हैं. हाँ, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड था. अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड था वो तीसरे नंबर पर था. उसका रीजन ये था उसमें स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा था. Done, sir. Everyone noted down NCR, Jugeria, sab log ne. So what? Shireen ko aa raha hai. Shireen Sisodia. Yes. सारे कंसेप्ट रिपीट हो रहे हैं जो गुरु 15 में पढ़ाया था. इसलिए सब अच्छे से मजबूती के साथ पढ़े लिख लिया सब लोग. चलिए आगे. क्या हमने मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ाया था? यस सर. देखिए मेल्टिंग पॉइंट में भी यही कंसेप्ट है. H2O है, इसमें तो presence of hydrogen bond है आपके पास. और तरफ वहाँ भी अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा था. यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके बाद फिर वही मॉलिक्यूलर वेट को डोमिनेट किया. जो वहाँ पढ़ा वही यहाँ पर होता है. वहाँ भी अमोनिया का सबसे ज्यादा था. उसके बाद BIS3 यही सब था. हेलो एवरीवन. यस सर, समझ आ गया. वेरी गुड. डन सर. ये है बॉन्ड एंगल भी वहां पढ़ा था. हाँ या ना जल्दी बताइए. यस सर. NH3 का मान. मेरी बात सच्ची हो रही है ना? सब कुछ जो मैंने कहा था सारा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा. बताइए सच्ची हो रही है? बॉन्ड पेयर दो लोन पहले कहा था बॉन्ड एंगल के लिए. बॉन्ड पेयर लोन पे निकालेंगे. 6 में से 2 क्या 4 का मतलब दो दो बॉन्ड पेयर है. बॉन्ड एंगल के लिए भी सबसे पहले आपको कहा गया था बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम चेक कर sp3. sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. अब जब sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम लोन पेयर को चेक करेंगे. लोन पेयर भी सेम है तो बॉन्ड एंगल किसको डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सबको मालूम है ना ECR जुबेरिया
और शिरीन ससोदिया और फान सबको मालूम है ना, वेरी गुड। यहाँ देखिए दैट द रीजन बॉन्ड एंगल वाटर की सबसे ज्यादा होती है। Done, sir. Water the angle we are 31.04. Any problem? No, sir. Thank you. Just make a star point down here, say my fire. Water is associated through hydrogen carbon. Resulting in बस इसलिए है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, एस2एस में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं। तो ये ना नो अंडरस्टैंड। ये क्या लिखा है सर? इन इट्स लिक्विड स्टेट से पहले क्या लिखा है सर? आर से। अच्छा रिजल्ट। हाँ रिजल्ट। हाँ रिजल्टिंग इन इट्स लिक्विड स्टेट। वाटर इसलिए है कि चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एस2एस हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। Done, sir. अच्छा एक नई बात जो अब हम लोग सीखेंगे उसमें नहीं पढ़ा था, अब इसका ABCDEFG यहाँ बेसिक करेक्टर पढ़ा था, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ये नया टॉपिक है तो देखिए और से सुनिए अच्छे से। केमिस्ट्री में ग्रुप 15 में आपने पढ़ लिया है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, वो आप पढ़ चुके हैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है तो हम साइज को देखते हैं, सेंट्रल एटम की साइज जितनी छोटी होती है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड क्या होता है? नॉन मेटल प्लस हाइड्रो। देखिए सारे लोग अच्छे से पहले कंसेप्ट समझ, या ये नई चीज है तो इसको समझ। जब भी हाइड्रा एसिड हो उसकी एसिडिक करेक्टर को चेक करने के लिए पहले चेक कीजिए कि पीरियड की बात, पीरियड में एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, जितना होगा उतना एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। लेकिन अगर ग्रुप की बात हो रही है तो ग्रुप में एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। ये रूल हर जगह नहीं चलेगा, ये सिर्फ एसिडिक करेक्टर ऑफ हाइड्राइड। ऑक्साइड वगैरह का आप पढ़ चुके हैं, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो जितना होगा वो। ये हाइड्रा एसिड नहीं, एसिड तो है लेकिन हाइड्रा एसिड नहीं, ये फर्क। इसलिए आप पढ़िए अच्छे से समझ लो। सिमिलरली यहाँ देखिए आपके पास H2O है, आपके पास H2S है, आपके पास H2SO3 है, आपके पास H2O2, तो मतलब सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलोरियम टेलोरियम। यस सर। जब सेम ग्रुप है तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, साइज वाला कंसेप्ट लगाएंगे? क्यों ऐसा होता है तो आप यही देंगे कि साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है, तो अभी आपने पढ़ा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज होती है तो रिलीज ऑफ H+
comes easier. इसको बॉन्ड विद रिलीज ऑफ एच प्लस कम्स इजियर. समझ में बात आई कि नहीं आई? यस सर समझ आ गया. सी इसमें स्ट्रॉन्गर एसिड जो होगा वो इस टू आइदर ऑफ एसिड के स्ट्रॉन्ग. डू यू अंडरस्टैंड एनी एनी स्टूडेंट? बोलिए. बोल ही नहीं रहा है भाई, बोलिए ना. समझ में आया सबको? यस सर. Answer. हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया ये? यस सर. ये हाइड्रा एसिड के बारे में सारी बातें थी. देखिए एकदम यही हाइड्रा एसिड को पढ़ाने में हम लोग दो तीन क्लास हुआ था उसमें. सही नहीं कह रहा हूँ, एक एक चीज को सबको समझाने में टाइम लगा था. आज देखिए कितना जल्दी हो गया. आप लोग भी हिम्मत करें, घर पर पढ़ें. मैं वही समझाना चाह रहा हूँ. इकोलॉग बड़ा चैप्टर है, लोग देख देख के हिम्मत हार देते हैं, अरे इतना कौन याद करेगा ये. अब हर चैप्टर में ये बहाना तलाशेंगे तो आपका रिजल्ट खराब होगा. उसी इंटरेस्ट के फॉर्म में पढ़ा रहे हैं पूरा 11th का कांसेप्ट. अरे शिरीन सुसोदिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes. आप मुझे अपना नंबर भेजेंगी, मैं आपको ऑर्गेनिक का लेक्चर भेजूंगी. आप सारे लोग इंसिया, जुवेरिया और अफान, तुम लोग जितना भेजा था वो सब देखे तुम लोग? Yes, sir. हाँ, और हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे. एक तो नोट्स अलग, कॉपी अलग बना लीजिए ऑर्गेनिक का और उसको देखते रहिए. और हम रात में आधा आधा घंटा हम अभी कोशिश कर रहे हैं कोई टाइम निकालने का, जिसको नोट्स लिख लीजिए. तो नोट्स लिखा रहेगा तो आधा घंटा में बहुत सारा कुछ हो जाएगा. हम बीच बीच में ऑर्गेनिक 11th का, जैसे रेजोनेंस है आपको आना चाहिए. रेजोनेंस नहीं करेंगे आपको ऑर्गेनिक आएगी? इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर कार्बोकेटाइन कार्बनाइन फ्री रेडिकल, एटलीस्ट ये टॉपिक आपको आज के से आना चाहिए. और ये अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए. सारे लोग ये नियत कर लें, हमें एक लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है और हम आपको डाउट भी देंगे और अलग से क्लास के लिए बुलाएंगे भी किसी दिन भी. तो श्री सुशोदी आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा. ओके, अपना नंबर. Okay. हाँ, तो मैं आपको आज लेक्चर एक दो भेज दूंगा और जुनो के पास 4-5 लेक्चर चला गया उसको देखें. और मैं आज उनको दोबारा भेजूंगा तो अभी तैयारी करें. ऑर्गेनिक में भी इसी तरह इनऑर्गेनिक की तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें वही पर डे पढ़ना. सब कोई हिम्मत नहीं हारना, हम कमजोर हैं, हमारा 11th कमजोर है. हम इसलिए तो 11th, आप देखिए ये सब 11th में 11th की चीजें सब है, ये सब हम आपको साइड में करा रहे हैं. चलिए, आपके पास तो क्या नाम है, 7 नोट्स तो होगा ही, आप उसको पढ़ते रहिए. यस सर, सारे नोट्स रखे सर. सबको एक एक दो दो पेज पढ़ते रहिए अभी से. यस सर, यस सर. अब आइए, ये पूरी पूरा खत्म हो गया आपका हाइड्रेस. दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी था, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज ये था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन मतलब ग्रुप 16, वहां भी आपने पढ़ा था बहुत सारे ऑक्साइड पढ़ा था. वहां ऑक्साइड में बहुत सारा बात था, 2 दिन क्लास चला था. अब यहाँ देखिए डाइऑक्साइड, ईओ2,
और एक है ट्राइऑक्साइड ऑक्साइड। दो तरह के होते हैं, डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड, लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। जैसे जैसे सल्फर है तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सेलेनियम है SeO2, SeO3। यूरियम है O2, O3। पोलोनियम चूंकि अनस्टेबल होता है तो ट्राइऑक्साइड इसमें। चलिए इसलिए कि अब मैं पॉइंट्स से लिखाता हूँ। Done, sir. अब देखिए रिमार्क्स लिखिए। पहला पॉइंट, सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस बट CO2 सॉलिड। अच्छा बताइए गैस की पहचान क्या है? वीक वंडरवाल फोर्स, पाई बॉन्ड बनाना। अरे बोलिए हाँ या ना, पढ़ चुके ना आप? यस सर, यस सर। मैंने आपको ये डायलॉग भी लिखाया था, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। सारे लोग भी बोलिए पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? सर डिक्रीज। बहुत अच्छी। जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज होता है तो पॉलीमेरिक लॉन्ग चेन बनाने की भी टेंडेंसी क्या होती है? इंक्रीज। हाँ, पॉलीमेरिक नेचर इंक्रीजेस। दिस इज डायलॉग, ये केमिस्ट्री में याद रखिए। अब यहाँ पर आइए मेरे साथ साथ लिखिए। अब ये सब ऐसा पॉइंट सब है जब इतनी दफा पढ़ चुके हैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज सल्फर, लिखते रहिए सल्फर फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड विद ऑक्सीजन बट मल्टीपल बॉन्ड बनाने का मतलब ये वीक बॉन्ड है। Done, sir. Everyone done? Yes. Good. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. बताइए
Yes, sir, done. दिक्कत तो नहीं हुई? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट वाइज देखिए. अब सुनिए, ये सब पॉइंट सब स्टेटमेंट बेस्ड. देखिए SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट समझते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे. रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बट DeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग. पहले लिखिए, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाता हूँ. ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को किल कर. Done, sir. लिख लिया, बताइए. चलिए सारे लोग सुनिए. सल्फर में SO2 में प्लस फोर है. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा लॉस करेगा. तो आपको मालूम है सल्फर में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है. हाँ या ना, जल्दी बताइए. yes. सल्फर में इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा. और आपको नहीं मालूम है टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो बिकम्स मोर स्टेबल due to inert pair effect. याद आया? इसीलिए yes, हाँ, इसीलिए TO2 जो है वो जल्दी से, वो इसलिए कहा गया ऑक्सीडाइजिंग है. लॉजिक भी लगाइए कि SO2 है और आपके पास SeO2 भी है, TeO2 भी है, PO2 भी है. ये कहा गया रिड्यूसिंग एजेंट. टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग करेक्टर घटेगा, और जब रिड्यूसिंग करेक्टर घटेगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा. समझ में बात आई? हाँ या yes. ना, कोई बोल ही नहीं रहे हैं. देखिए स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर stable than plus 4 in sulfur. Therefore, SO2 is reducing agent from top to bottom. Reducing character decreases because the stability of lower oxidation state decreases due to inert pair effect. ये सब लाइन दिमाग में रखिए तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन के वक्त. तो ये स्टेटमेंट ही दे देगा, बताओ इसे क्या टीओबी सा स्टेटमेंट दे देगा. ये सब लाइन सबको समझ में आई? हाँ या ना? यस सर. फिर डन. डन. तीसरा पॉइंट तो सब जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर. और आपको मालूम, अभी मैंने बताया भी था इसका एसिडिक ऑर्डर ऑफ
SO2, SbO2, BO2, PO2. For less four, the acidic character देखते हैं तो पहला oxidation state और oxidation state जब same हो, हम size को size छोटा है. Confuse मत होइएगा. Hydra acid में size बड़ा, तो more acidic. Yes, hydra acid नहीं है. Confuse नहीं होना कि sir size में. हाँ है size छोटा, तो electron को accept करेगा. See. Done sir. अगर आपसे SO2 और SO3 पूछिए, फिर वही काम, पहला ऑक्सीडेशन इससे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मोर एसिड. ये सब आप ऑर्डर ऑफ, ये सब क्या पढ़ रहे हैं आप, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है किसका कम है पूरा डिटेल में 15 के भी ऑक्साइड में. डन सर. चौथी केमिकल चौथा लिखिए आप. ऑक्सीएसिड वहां पढ़ा था ना हम लोगों ने. यस सर. ऑक्सीएसिड ऑफ सल्फर. पहला ये सबसे मशहूर सल्फ्यूरिक एसिड. अच्छा आप देखिए इसको सबको क्या जानती हैं. अच्छा ऑक्सीएसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बताया था ना कि जितना एच है उतना ओएच होगा फास्फोरस के ऑक्सीएसिड को छोड़कर. याद आया? यस सर. फास्फोरस में पी डबल बॉन्ड ओ उसके बाद ओएच उसके बाद आगे बाकी बॉन्ड लगा देते हैं. बहुत अच्छे बहुत अच्छे. तो देखिए दो हाइड्रोजन तो दो ओएच पहले लगा दीजिए. ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड. अब देखिए दो एच है ये डाइप्रोटिक होगा. इसमें बहुत सारे आएंगे ऑक्सीएसिड बहुत ज्यादा इसमें डाइप्रोटिक डाई बेस. देखिए तो सारे लोग लोन पेयर लोन पेयर. सिरीन सोडिया आ रहा है ना. वेरी गुड बहुत अच्छे. डन सर. दूसरा आइए सर यूरस इसको कहते हैं H2SO3. संपर्क के बाद दो एच दो एच डबल बॉन्ड ओ. यही सब को इसको अब देखिए थायो. सुनिए अच्छे से थायो सल्फ्यूरिक एसिड. अब ध्यान दीजिए थायो सल्फ्यूरिक एसिड में मतलब ये हुआ कि
ऑक्सीजन को आप सल्फर से रिप्लेस कर दीजिए तो थायो बन आता है, जैसे पेरेंट एसिड कौन है इसमें, सल्फ्यूरिक एसिड है, जल्दी बताइए। यस सर। अब इसके एक ऑक्सीजन को हटा को सल्फर से रिप्लेस कर, सल्फर अब एस टू हो जाएगा और ऑक्सीजन ओ थ्री, इसलिए यहाँ पर अब थायो सल्फ्यूरिक एसिड आया। यस सर। थैंक यू। अब देखिए एनी प्रॉब्लम, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, सुनो अच्छे से प्लीज। सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर तुमको भी मालूम है, इतना बात यही होता है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर। ऑक्सीजन को रिप्लेस करके आपको सल्फर का एक सिग्मा एक एक लोन पर एक दो, ये सल्फर एस2 है, ये सल्फर स्ट्रक्चर याद रहेगा सबको, समझ में आया। यस सर। बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा, डन सर। अब आइए फोर्थ, पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड, याद है पाइरो के लिए मैंने पहली कंडीशन बताया था हाइड्रोजन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, अगर पाइरो बनाना हो फॉर्मूला याद ना हो रहा हो H2O निकाल दें, दो मॉलिक्यूल से वाटर हटा दीजिए H2S2O7, याद है। यस सर। तो सुनो मेरी बात फोर से सुना अच्छे से, फिर लिखना ना, मैंने आपको सिखाया था अगर किसी भी मॉलिक्यूल में दो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, तो लिंकेज AOA होगा एक्सेप्ट N2O3 और ऑक्सीसिड ऑफ सल्फर को छोड़कर, याद है ये लाइन सबको, हाँ जाना जल्दी बताएं। यस सर। बताइए हेलो एवरीवन। अच्छा लेकिन सल्फर के ऑक्सी एसिड में याद रखिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर कंटेनिंग टू सेंट्रल एटम, तो ये इट डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्ट्रक्चर ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करे। आप AOA भी दे सकते हैं लेकिन कुछ में सही होगा और कुछ में गलत हो जाएगा, मैं चाहता हूं आपको 100% आंसर पर कमांड करना है, याद रखो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर ये सब लिखाया जा चुका है, तो देखो इसका रूल क्या है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के ड्रॉ करने का, देखो अच्छे से, इससे साबित हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ द सल्फर कंटेनिंग टू सल्फर मतलब टू सेंट्रल एटम ऑक्सीडेशन एसिड, क्या मतलब हुआ इसका देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर प्लस सिक्स है तो लिंकेज होगा AOA, चाहे उसमें ऑक्सीजन इवन नंबर में या ऑड नंबर में उससे हमें मतलब नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर लेस देन प्लस सिक्स हो तो A सिंगल बॉन्ड A होगा, चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो। अरे बोलो यार हेलो एवरीवन। यस सर। और ऑक्सीडेशन हाँ अगर प्लस सिक्स, ये सब मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई आप किसी चीज को रट के ना पढ़े, आप एकदम टेंशन फ्री हो के सब आए, समझा, आप जो आपको ये हो तो लिंकेज का फॉर्मूला होगा AOA,
मान लिया कि अगर आपको H4P2O7, यहाँ पर तो आपको मालूम है POPO, लेकिन H2S2O7 SOS भी हो सकता है, SS भी हो सकता है, वो समझा, वो डिपेंड करेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। कोई कहेगा सर ऑड नंबर में हम यही कर दें तो करोगे, ठीक है, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, 100% आंसर नहीं आएगा। इसीलिए मैंने आपको लिखवा दिया था कि चाहे दो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो तो ए होगा एक्सेप्ट ऑक्सीजन का सल्फर इनपुट, दो सेंट्रल एटम हो ऑक्सीजन इवन नंबर में भी हो तो वहां ए सिंगल बॉन्ड ए होगा एक्सेप्ट ऑक्सीएसिड ऑफ द सल्फर। ऑक्सीएसिड ऑफ द सल्फर को ड्रॉ करने का तरीका, ऑक्सीएसिड में कौन सा सल्फर जिसमें दो सल्फर हो, उसका ड्रॉ करने का तरीका है ऑक्सीडेशन स्टेट और ये तीन लाइन प्लस सिक्स के बराबर एग्जैक्टली। तो आप देखो यहाँ पर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एक सल्फर का एक्स मान लिया तो 2x, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन का माइनस 2 तो माइनस 14, 0, एक्स इज इक्वल टू 6। अब देखिए तो देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आया तो लिंकेज SOS होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, हाँ या ना? यस सर। हाँ, ऑड वाले से भी करते तो यही होता, चलो यहाँ पर तो सही हो जाया, हो गया, चाहे ऑड नंबर से भी करते तो यही आता ऑक्सीडेशन मेथड से, लेकिन कुछ क्वेश्चन में फंस जाओ, एच है दो एच है तो दो एच दे दो फिर बाकी ऑक्सीजन, दिस इज स्टाइल, आपको यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑक्सीएसिड देकर ऑब्जेक्टिव में, जो ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूँ तो तुम्हें मालूम ही है। Pyrosulfurous, the fifth, sir. Fifth. Pyrosulfurous acid. बताओ pyro का फिर मतलब है ये sulfurous acid को का formula क्या है? H2SO3 दो से multiplied करो, यहाँ bracket में भी लिख दो formula कि तुम्हें समझ में आए कि formula H2SO3। वाटर जब हटाइएगा तो बताइए H2O5 होगा, आया? यस सर। फिर इसमें देखिए सारे लोग सुनेगा, दो सल्फर है ऑक्सीजन ऑड में है, तो सर हम AO करते हैं? नहीं, हम बचेंगे क्योंकि सल्फर है तो हम सतर्क रहेंगे, इसका डायरेक्ट करने से पहले हम क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन। सल्फर दो है प्लस टू है, फाइव माइनस टू एक्स इज इक्वल टू 4, बताओ सिक्स से कम आ रहा है कि सिक्स से ज्यादा कि सिक्स से कम? बताओ कम है तो लिंकेज AA होगा कि अब बताओ यहाँ पर तुम डायरेक्ट करते तो गलत नहीं हो जाता है स्ट्रक्चर, जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। इसलिए ऑड नंबर इवन नंबर वाला जो कांसेप्ट है वो हर जगह लगेगा, ऑक्सीएसिड ऑफ द सल्फर को, हाँ ऑक्सीएसिड सल्फर में भी लग सकता है लेकिन उसमें बस वही होगा कि कहीं पर सही कहीं पर गलत, एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा। OH, OH. ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें एस सिंगल बॉन्ड एस है, इसमें एस ओ एस बॉन्ड, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको, कितना इंपॉर्टेंट है।
ए यस सर डन सर सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। थैंक यू। ये सर सिक्स में आ पाइए सिक्स और ऑल्सो नो सर ब्यूटी प्लेस बहुत आसान है एच इसका दूसरा नाम याद रखिएगा कैरोज इज फॉर्मूला H2SO5 तरीका एक तो डायरेक्ट भी बना लीजिए रूल के मुताबिक चलिए या चलिए H2SO4 का तो आपको बनाने आता है कि नहीं जल्दी बताइए हाँ या ना यस सर आप बताइए सल्फर कितने हैं ऑक्सीजन कितने हैं 5 ऑक्सीजन कितने हुए 4 है ना यहाँ इसमें ऑक्सीजन 4 होना है इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर ऑक्साइड लिंकेज है अब देखिए ऑक्सीडेशन मेथड से भी चलते x प्लस 2 प्लस 5 माइनस 2 0 x इज इक्वल टू 8 है कितना हो जाएगा 8 अभी नहीं बताया था मैक्सिमम से ज्यादा होगा तो पर ऑक्साइड लिंकेज होगा अरे बोलिए यस सर अब यह तो आप स्ट्रक्चर इस तरह आपको क्या करना है इसको कैरोजेसिस कहते हैं इसको सफाई ये सब सिलेबस में है आपको आना चाहिए डन सर डन सर but also disulfuric acid इसको उसको कहते हैं मार्शल सिस्टम इस सब आपको आएगा इसका फॉर्मूला H2S2O8 कितने सल्फर हैं जल्दी बताइए 2 सल्फर हैं यस सर 2 सल्फर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड UX प्लस 2 प्लस माइनस 16 0 बताओ x 6 से ज्यादा आया कि नहीं जल्दी बताओ यस सर 6 से ज्यादा तो समझना है रूल मैंने लिखवा दिया तो रूल के मुताबिक चलोगे कोई टेंशन नहीं यही समय समझाना चाह रहा हूँ बाकी OH है पर भी एक OH दो दो क्लियर तो बता यस सर डन सर लिख लिया आप लोगों ने यस सर डन यस अब आइए कि जो आप असल है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो ये है उसके बाद एक नई सीरीज आएगा 9 हुआ कि 8 हुआ 8 चलिए डाइथायोनस एसिड डाइथाय ये सब इम्पोर्टेंट है सब आपके सिलेबस में इनऑर्गेनिक तो एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है बोर्ड तो बोर्ड कॉम्पिटिशन H2S2O4 फिर बताइए सल्फर 2 है तो हम डायरेक्ट ड्रॉ करें कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड आई अच्छा थायो है ना प्लस 3 आरएस है थायोनाइसिस ठीक है
यहाँ 2s plus 2 minus 8 0 x3 आ रहा है, बताओ 6 से कम है तो बताओ, AA लिंकेज होगा? Yes sir, AA. डायरेक्ट भी करते तो शायद यही आता, क्योंकि इवन नंबर है तो यही आता कि नहीं, डायरेक्ट भी करते तो? Yes sir. वही है कुछ ना करना चाहिए, डाई था यू मैसेज डन सर। सब लोगों ने लिख लिया, जल्दी बता दीजिए। सब लोगों ने लिख लिया? आप देखिए, अब ऑक्सीएसिड में स्ट्रक्चर में देखिए, एक है थायोनिक एसिड से, देखिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ बेसिकली ये है थायोनिक एसिड से। क्या होता है थायोनिक? आपको मालूम है सल्फर के ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाना है। इसका जनरल फॉर्मूला है H2S(X)2, सम यही आएगा या X2O5। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए एनसीईआरटी में सिर्फ यही लिखा हुआ है, उन्होंने बता दिया बस, लेकिन अब जब इसने लिख दिया है तो आपको स्ट्रक्चर पूछेगा, ये नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ना था, यूनिक इसलिए आपको मन हो तो सिर्फ नोट्स के अलावा एनसीईआरटी पढ़े, अगर बुक पढ़ने का मन हो तो नोट्स के अलावा एनसीईआरटी ही पढ़िए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए। अब इसमें देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, पहला है आपके पास H2S2O6, इसका नाम डाइथायोनिक एसिड। फिर वही बात, दो सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन किसने में है जल्दी बताओ, अच्छा सल्फर मैक्सिमम में है कि मिनिमम में है? प्लस फाइव है सर, प्लस फाइव है। एस लिंकेज होगा कि नहीं? यस सर, यस, आसान। देखो अपने से स्ट्रक्चर क्वेश्चन सब देखे पूछेगा, बताओ इसमें एस मिडल बॉन्ड एस है, एस ओ एस है, लिखे सारे आ रहा है ना समझ में? यस यस यस, गुड। दूसरा क्या होगा? अब सारे लोग बताओ कितने सेंट्रल एटम है? 300। मैंने बताया था अगर ऑक्सीजन में दो से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, पहली बार कॉमन इंटीजर हो, दूसरी बात, तीसरी सल्फर मैक्सिमम में हो, वहां साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। क्या यहाँ पर कॉमन इंटीजर है? कॉमन इंटीजर नहीं है, इसका मतलब यहाँ साइक्लिक नहीं होगा, बस चेन फॉर्म में बना दो, चेन फॉर्म, चेन फॉर्म सब पढ़ाया जा चुका आपको, चेन फॉर्म, लास्ट पर वाले पर ही ऑक्सीजन, बस एक ट्रिक्स याद हो, बीच वाले में नहीं देना। सुनो, लिखना मत, सुनो अभी से, इसका नाम क्या होगा? ट्राइथायोनिक एसिड, H2S4O6। बताओ कितने सेंट्रल एटम है? चार। कॉमन इंटीजर है जल्दी बताओ? है, यस सर, दो है, लेकिन सल्फर ऑक्सीडेशन से मैक्सिमम में नहीं है, 2.5 है, इसलिए इसमें भी साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा? चेन फॉर्म, लीनियर चेन फॉर्म। यस, ऑक्सीजन किस पर देना है, बीच में की लास्ट वाले पर? लास्ट वाले में, यस। अरे सब कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, आ रहे ना समझ में? हेलो, इतना अच्छे से तरीका बता रहा हूँ तो आया सबको समझ में? मत yes. बोलिए, हाँ मत बोलिए,
डन सर। तो H2S2O5 तो ऐसे भी कॉमन इंटीजर नहीं है तो लीनियर चेन होगा, बताओ। यस सर लीनियर चेन। इतना आसान आसान तरीका बता रहा हूँ मैं तुम्हें, देखो भाई क्या होता है। तो आपने टू लिखा है सर, हैं एस टू लिखा है आपने, H2S2O5। हाँ अच्छा हाँ H2S5 फोर हो गया था, फोर वाला हाँ टेट्राथायोनिक यस। स्टूडेंट यस सर यस ये पूरी कहानी हुई किसकी? ऑक्सवाज तो सब सर। यस आगे बढ़े जल्दी बताइए। यस सर डॉक्टर। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज में 1, 2, 3, 4 रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सॉल्यूट साइड हाइड्राइड और हाइड्राइड। ये जो हाइलाइट बनाता है बहुत सारे तरह एक्सा हाइलाइट टाई हाइलाइट डन सर। क्या बोलिए? यस सर। आज इतना ही रहने दीजिए, आज मन नहीं है। ओके बाय, थैंक यू। कल अच्छा बंधन है ना, पर्व मनाइए। ओके ओके।